पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के यहाँ मैचेस हुए। T20 मैचेस एक ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें लगता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आएंगे, मगर क्यों नहीं आए कराची के स्पेक्टेटर्स। बहुत सारी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसमें कि क्यों नहीं आए, मगर जो कोर रीज़न थी, जो ग्राउंड रियलिटीज थी, वो अब हम जानते हैं। और वो जानने के लिए समा टीवी के कोरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, खिजर आजम। उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची का हम अहवाल देख रहे थे स्क्रीन्स पर, तो जब दोनों टीमें एयरपोर्ट से होटल की तरफ निकली तो अमूमी तौर पर ये देखने में आता था कि लोगों को पता होता था कि आज ये टीम आ रही है। वहाँ पर लोग हमसे पूछ रहे थे, जो आम पब्लिक थी, जो ट्रैफिक रुका हुआ था, लोग हमसे सवाल कर रहे थे क्या हुआ, कौन जा रहा है। तो किसी को भी नहीं पता था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ चुकी है। सिर्फ सीरीज़ शुरू होने से पहले हम PSL ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तवज्जो वहीं पर थी। हर किसी को पता था कि किस फ्रेंचाइज ने किस प्लेयर को रिलीज़ किया है, किसको रिप्लेस किया है और किसको एक्सचेंज किया है, फिर ड्राफ्टिंग में रहे। तो ये जो सीरीज़ है वो उस दौरान जो है मुकम्मल तौर पर जो इसकी मार्केटिंग है शायद वो करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब नहीं रहा। कि जो ODIs पोस्टपोन हुए हैं इसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जी बिल्कुल, इसके हवाले से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई तो उन्होंने इसको नुकसान जाहिर नहीं किया है। उनका कहना है ये नुकसान नहीं हुआ, ये सीरीज़ है जो इसी फाइनेंशियल ईयर में मुकम्मल हो जानी है तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो जो ब्रॉडकास्टर्स थे या जो चीज़ें थी वो उसी तरह जो है वो शेड्यूल में है और वो इसी कैलेंडर ईयर में ये सीरीज़ हो जाएगी। जो टिकटिंग बुकिंग कंपनी है जो कि ऑनलाइन बुकिंग कर रही थी, उधर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वन डे सीरीज़ के जो टिकट थे तकरीबन 30-40% सेल हुए थे, मगर जो असल सिनेरियो क्रिएट होता है, जो ज़्यादातर टिकट्स ख़रीदे जाते हैं वो मैच से 1-2 दिन पहले ख़रीदे जा सकते हैं जाते हैं। तो उमूमन इस सिनेरियो में ये होता है, लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं और स्टेडियम ऑन द स्पॉट खरीदते हैं, यू नो, मोर यूज्ड टू अक्रॉस द काउंटर। सो मच खिजर, बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी। एंड नाउ वी हैव गॉट अ स्पेशल सेक्शन, सवेरा यू आर बेस्ट एट इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग। सेक्शन जो है उसके हवाले से हमने जरूर बात करनी, बट एक चीज जो मैं इस पे पिन पॉइंट लाला जरूर करना चाहूंगी और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर हम क्रिकेट नहीं बेच सकते तो हम और क्या बेच सकते हैं? ये वो मुल्क है जो कि वन स्पोर्ट नेशन हो गया, हम फॉलो करते हैं क्रिकेट को, और अगर हम क्रिकेट ही नहीं बेच पा रहे और ये पूरी दुनिया देख रही है कि खाली है स्टैंड, हम इतना उसको करते हैं क्रिकेट कमिंग बैक होम, बहुत ज़्यादा फैंस हैं हम, हमें चाहिए कि क्रिकेट हमारे मुल्क में वापस आए, एंड देन एम्प्टी स्टेडियम्स, क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया में उस चीज़? देखिए मैसेज तो कोई अच्छा नहीं जाता। हमारे इशू ये है कि हम हमेशा पिछली हुकूमतों पे या पिछले बोर्डों पे डालने वाले लोग हैं, हम खुद अपनी गलती मानने वाले लोग नहीं हैं। इतना दिल गुर्दा किसी के पास नहीं कि गलती करके कोई आके बैठ कर के हमने गलती की है। जो नया आता है बंदा वो अपना आईन, अपना हर चीज़, अपना कानून, हर चीज़ ले आता है कि यार अब जीरो करो इसको, अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस तरह शुरू करो चीज़ों को, तो आपका सिस्टम किधर गया? सही बात, सिस्टम तो बने हुए। और उसमें पता है एक और चीज़ होती है सवेरा, कि जो आपकी टीम होती है वो डर जाती है कि अगर मैंने कुछ किया तो जो अगला बंदा आएगा वो सारा मेरे ऊपर ब्लेम डाल देगा, तो इनिशिएटिव रुक जाता है। बिल्कुल, इनिशिएटिव रुक जाता है, डिसीजन मेकिंग रुक जाता है। सिस्टम को चलने दो यार, सिस्टम जैसे भी है उसको चलने दो, टाइम दो उसको, हर चीज जीरो से ना शुरू किया करें।